आप देख रहे हैं सिटी लेवल सेंटर में आपके साथ आज हमेशा दिल्ली से सिटी लेवल फरीदाबाद के या अकबालपुर चौक पड़ता है चाहे सदम पहुंचे यहाँ पर एक ही जगह नहीं है, हर हर इलाके में आपको दिखाया हमने कहाँ पर बिजली की समस्या और पानी की समस्या से लोग बहुत परेशान है। यहाँ पर भी लोग बोल रहे हैं कि 2 महीनों से यहाँ पर ना ही पानी की समस्या है, यहाँ पर बिजली की समस्या तो बहुत ज्यादा, तो लोग आज सड़कों पर उतरे, जानते क्या है पूरा मामला देख सकते हैं। मौके पर पुलिस भी यहाँ पर है। कब से परेशान है आप लोग? अरे काफी देर हो गया, हम लोग 24 घंटे से ज्यादा हो गया। अच्छा लाइट नहीं आ रही है? लाइट आ रही है, इंसान मुझे खाता है। हम हर महीने बिजली का बिल देते हैं, हमारे पास उसका रिकॉर्ड है, हर महीने देते हैं। जाल मुझे काटे गया हुआ है। अच्छा हाँ, किस लिए यहाँ पर किस लिए खड़े हैं? पानी की समस्या या फिर बिजली की समस्या? पानी है 3 महीने से परेशान हम, 3 महीने से अप्रैल से पूरी गर्मी निकलते निकली हुई है। अलाउ कर दिया पार्षद ने ट्रांसफार्म, एसडीओ ने बोला मैं जगह खरीद के दो, फिर कल को तो वो बोलेगा मैं तार खरीद के दो, कभी कहते पैसा कहीं कितने दिनों से आपको चक्कर लगवाया जा रहा है? हमें 3 महीने हो गए, 3 महीने से परेशान, 3 महीनों से तो परेशान चल रहे हैं। मतलब जब गर्मी पड़ती है तब एसडीओ जी का, एक हफ्ते पहले ये ट्रांसफार्म छोटा सा ट्रांसफार्म रखा और यहाँ पे 15-20 गाड़ियों का लोड है, इस पे 1 घंटे लाइट रहती फिर कट जाती, फिर 1 घंटे रहती फिर कट जाती, रात में तो आती, रात में तो कोई बच्चा को अपने बच्चे संभालेगा कि कंप्लेंट कोई डालेगा? आप ये बताओ, अगर कुछ की थी क्योंकि बहुत चिलचिलाना गर्मी है। मैडम क्या बताऊँ मैं आपको, सोच में भी पानी नहीं है हमारे, इतनी परेशान हो रखे हम बहुत ज्यादा। कब से परेशान चल रही आंटी? कम अब 3 दिन हो गया परेशान हो रहा है, 3 दिन हो गया पानी नहीं है, ट्रांसफार्मर लगा रात में पूरा जगते हैं फिर भी लाइट नहीं आ रही बराबर, फिर भी लाइट नहीं आ रही बराबर, टंकी में पानी नहीं है, झाड़ू पोछा में झूठे बर्तन में बहुत समय दे रहे हैं, कष्ट आ जाएगा, एक एक करके थोड़ा हाथ पोछो कि समझ में नहीं आएगा, इतना परेशान हो रहे लाइट के लिए पानी नहीं, 3 महीने हो गए लाइट नहीं आ रही है, 3 महीने घर का काम कैसे चल रहा है? देख ले कैसे हम घर का काम चला रहे हैं, मांग मांग के इधर उधर भी कहीं इधर पानी नहीं मंगवाते, लेकिन बाथरूम कुछ नहीं है, पानी का मंगवाना पड़ता है इमरजेंसी में जब लाइट नहीं रहती, मतलब सरकार करके ये बारिश होती है तो पानी बढ़ जाता है, वैसे पानी की कमी है, बिजली आ नहीं रही है तो कर क्या रही है, बच्चे गर्मी मर रहे हैं। मैडम ये देखो ये पार्षद ने अलाउ कर दिया ट्रांसफार्म दूसरा, हम एसडीओ के पास गए तो एसडीओ ने बोला जगह चाहिए मैं जगह खरीद के दो, बता हम लोग एसडीओ जगह आप लोग खरीद के देंगे? हम जगह खरीद के फिर बोलेंगे तार खरीद के दो, क्योंकि तार कम 100,000 फोन लगते हैं, कोई नहीं फोन उठाता है, परसों की लाइट तो जनता कहाँ जाए जब इनके पास जाएगी तो आप लोग पेशेंट है मेरे घर में, तो आपके घर में क्या दशा होगी जब ये आमजन ऐसे ऑन बेड पेशेंट है मेरे घर में, ऑन बेड पेशेंट है, आप समझ के चलो कमरे के अंदर गर्मी में ऑन बेड पेशेंट की क्या हालत हो रही होगी, टोटल ऑन बेड, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, इतनी दिक्कत में रहती है हमारे घर में, 2-4 की लाइट नहीं देते हम लोग, कैसे करेंगे पूरे दिन बिजली से ऐसे रहते हैं हम, बच्चे मेरे छोटे छोटे बच्चे, कैसे एरिया कौन सा पड़ता है, कौन सूर्या बिहार पार्टी भगवान पूछो, विनायक हॉस्पिटल विनायक, ये दे सकते हैं, एक मिनट मैं सिचुएशन दिखा दूं थोड़ी उधर की, थोड़ा सा मुझे स्पेस दे दो प्लीज, थोड़ा सा हाँ बस, ये दे सकते हैं ये अगवानपुर चौक
ब्लॉक पड़ता है, विनायक हॉस्पिटल जस्ट उसके थोड़े से नज़दीक में ही है, 100 मीटर की दूरी पर ही है। और यहाँ पर देख सकते हैं पुलिस मौके पर पहुंची क्योंकि तमाम लोग की भीड़, और भीड़ भी जायज है क्योंकि बता रहे हैं कि 2-3 महीने से बिजली की एक तो समस्या से लोग परेशान है, फिर पानी की समस्या से परेशान है। वो एक ही जगह नहीं है, वो पूरा इलाका फरीदाबाद लोग कहते तो स्मार्ट सिटी है, किस बात की स्मार्ट सिटी, यहाँ पर पानी है, यहाँ पर बिजली है, और अगर बारिश हो जाए तब तो और डंपर डाउन हो जाता है, मतलब पानी जगह जगह भर जाता है, मतलब जाने आने की समस्या तो इतनी ज्यादा हो जाती है कि लोग यहाँ से वहाँ नहीं जाते। तो किस बात के लिए आंसर विभाग बोलता है, तो सरकार बोलती है कि स्मार्ट सिटी फरीदाबाद, कौन सी स्मार्ट सिटी है, चार दिन हम लोग पानी नहीं, हम लोग बच्चा है, किसी घर में बूढ़ा है, कोई बीमार है, कोई कुछ है, लाइट वाइट कहीं नहीं है, पर बिल एकदम टॉप के देते हैं, कहीं 10,000 कहीं 15,000 बिल तो आराम से जाता है, क्योंकि उनको चाहिए ना, उनके घर में तो एसी कूलर चल रहा है, बोलते हैं कि भैया हम किस बात की बिल दिए, तो मीटर यू खा लिया जाते हैं। अच्छा हाँ मीटर, अरे तो बिजली का दो तब तो मीटर का बिल भी दे हम लोग, बिजली का बिल देने के बाद भी जगह देंगे, देखिए बिजली का बिल इतना लंबा बिल आ जाता है, लेकिन जब बिजली देने की बारी आती है तो लोग ऐसे घूमते हैं। अभी लाइन मैन आया था ना, तो हथौड़ा लाया ना ब्लास लाया ना कुछ, उन्हें औजार भी हमसे चाहिए काम करने के लिए, वो किसके लिए काम कर रहे हैं, उनकी वजह औजार ही नहीं तो क्या काम करने आए हो इधर। एक महीना बिजली बिजली काट दे लाई, मीटर उठा के लेके चले जाते हैं, चले जाते हैं मीटर उठा के लेके चले जाते हैं लोग, यही प्रॉब्लम है, कुछ नहीं होता, आज से ही भैया करने के लिए हम भी पहुंचे परेशान चल रहा है। ये अगवानपुर चौक है जहाँ इस वक्त पहुंचा, लोगों की हालत देख सकते हैं, मतलब 2-3 महीने से लोग बिजली और पानी की समस्या से परेशान है लोग, और किस कदर रह रहे हैं वो तो आम जन जान ही रहा है, मतलब सरकार की कोई बात छिपी नहीं है जनता से, तो कम से कम जी एसडीओ तो सुने, इनकी कार्रवाई तो करे, ट्रांसफार्मर तो लगाए, बिजली तो दे कम से कम। तो ऐसे जुड़े रहिए तमाम खबरों के लिए, देखते रहिए सिटी न्यूज़ 100.9 मैच मिशन, साथ ही माशो के साथ।